सैयद नासिर हुसैन शाह ने एडिशनल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि निजी टीवी के रिपोर्टर वली खान बाबर के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत पुराना केस हमारा, खास तौर पर आपकी सहाफत से जिनका ताल्लुक, वली खान बाबर साहब का केस जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन सब की काविशों से गिरफ्तार हुआ है और ज़रूर कैफरे किरदार तक उसको पहुंचाया जाएगा। कामरान ने 2008 में एमपीएम लंदन ज्वाइन की। बेसिकली इनको जो डायरेक्शन मिलती थी वो अनीसुर रहमान और आमिर एलियस खालिद, ये दो एमपीएम लंदन के शूटर टीम के इंचार्ज साउथ अफ्रीका के, वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते थे और फिर ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन इनके थ्रू कराई जाती थी। मारने की वजह वली खान बाबर को कि वो एंटी एमक्यूएम स्टोरीज, अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट स्टोरीज वो टीवी पे बना के चलाता था, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है और आज़ादी इजहार को फरोग देती है। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है आज़ादी सहाफत पर और उसमें कहीं भी अगर कोई इस तरह का कदम उठाया गया हो जिसमें आपकी जान को खतरा हुआ हो या किसी की जान गई हो तो उसको सीरियसली लिया जाता है, चाहे केस कितना ही पुराना क्यों ना हो। ये 2011 का केस था जिसमें, जैसे बताया मैंने कि पहले भी बहुत सारे गिरफ्तार हुए थे लेकिन जो एक असल कातिल रह गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी तरह अजीज़ मेमन का कत्ल केस जो है वो भी हल हुआ और वो असल लोग जो है वो सामने आए, गिरफ्तार हुए। उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करूँगा गुलाम नबी मेमन साहब को जो कराची पुलिस के चीफ हैं और स्पेशली उस इन्वेस्टिगेशन को भी इन्होंने ही हल किया। और ये भी जो आज ये गिरफ्तारी हुई है, ज़ाहिर है हेड किए हैं यहाँ के, तो ये भी इनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसमें कामयाब हुई है। उसके लिए CM साहब ने कहा है कि वो खुद उनके लिए अनाउंसमेंट करेंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई की जाए।